हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकरा जीएम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। ये बहुत ही आसान है इसे बनाना। ये सिर्फ 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत टेस्टी बनता है। ये बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का आलू लिए हैं। इसको हमने बॉयल करके इसको कद्दूकस कर लिए हैं। और ये हमने लिए है क्यूब वाले चीज़ हैं, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। ये है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ये हमने लिया काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑर्गेनो है, और थोड़ा सा चाट मसाला, और 3 टीस्पून ये कॉर्नफ्लावर है। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर की जगह आप अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उससे भी ना हो तो आप 2 ब्रेड का ब्रेड क्रम बना करके वो भी डाल सकते हैं। हमने आलू में नमक डाल देना है। नमक अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना आपको मतलब सही लगे। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे इसमें, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, सारा नहीं डाल रहे। काली मिर्च का पाउडर थोड़ा तीखा होता है तो बच्चों को तीखा लगेगा, इसके लिए चाट मसाला डाल देंगे, ऑर्गेनो डाल देंगे। इसी के साथ इसमें चीज डाल देंगे। ये बहुत ही इजी है बनाना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देंगे। और इन सबको मिक्स करके इसका अच्छा सा डो बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसका डो बना लिया है। इसका थोड़ा सा लोई लेंगे। इसका रोल बना लेंगे। इसको जितने बड़े साइज में आपको कट करना हो तो आप कर सकते हैं, या कोई और शेप में आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं, जो भी बच्चों को पसंद आए। से हाथों से लेके थोड़ा सा इस तरीके से दबा करके इसको शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने बनाया है। इसी तरीके से बाकी सारे को हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे को तैयार कर लिया। हमने छोटे छोटे पीस में बनाया है, देख सकती है। इसको आप टिक्की के तरह भी, टिक्की के शेप में भी बना सकते हैं, आपको जैसा आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, उसमें हमने रिफाइंड ऑयल गर्म होने डाल दिया था पहले ही। तो हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम अब इसमें डाल देंगे जो हमने बनाया है आलू का। एक एक करके डाल देंगे इसमें सारे, जितना एक बार में आ सके। इसको हम गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को तेज ही रखना है और तेज करके ही बस इसे फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए, हमारा इतना बढ़िया से क्रिस्पी सा फ्राई हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल ये फटाफट बन गया। ये बहुत ही आसान है बनाना। तो इसको अब निकाल लेंगे और बाकी जो भी बचा हुआ है उन सबको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, खाने में भी बहुत लाजवाब हो गई है। ये देखिए, हमारा पोटैटो स्नैक्स बिल्कुल बन करके तैयार है, देख सकते हैं। ये हमें बेटियों ने बनाया है छोटा छोटा सा, वो लोग खुद से बनाई है। तो ये भी है, इसको भी डाल देते हैं इसमें। और देखिए कितना इजी है बनाना, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ऐसी आसान रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।